हेलो एंड वेलकम बैक टू केपी कॉन्स्ट्रो। आज इस वीडियो में हम चेनाब रेलवे ब्रिज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। चेनाब रेलवे ब्रिज कहाँ पे बन रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है, ब्रिज का काम कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म होगा, ब्रिज के कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट के बारे में वीडियोस हमारे चैनल पर डालते रहते हैं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चेनाब ब्रिज एक रेलवे ब्रिज है जो चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज बक्कल और कावरी एरिया को चेनाब नदी के ऊपर से कनेक्ट करता है और इस ब्रिज की वजह से बारामूला से जम्मू तक का डिस्टेंस सिर्फ 6 से 7 घंटों में पूरा होगा और अभी इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम से कम 13 घंटे लगते हैं। ब्रिज की हाइट की अगर बात करें तो वाटर बेड से 359 मीटर है, जो आईफेल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है और कुतुब मीनार से 5 गुना है। इसी की वजह से चेनाब रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज माना जाता है, मतलब चेनाब रेलवे ब्रिज इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। चेनाब रेलवे ब्रिज के डेवलपमेंट का काम कोंकण रेलवे की तरफ से किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी को दिया गया है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये एक शाहपुरजी पालनजी ग्रुप की ही सब्सिडरी कंपनी है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, शाहपुरजी पालनजी ग्रुप इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। चेनाब रेलवे ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम 2002 में ही स्टार्ट हो गया था और तब इस ब्रिज की कंप्लीशन डेट 2009 रखी गई थी, लेकिन सितंबर 2008 में स्टेबिलिटी इशू की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था और यही काम 2010 में फिर से स्टार्ट हो गया था। जब काम 2010 में स्टार्ट हुआ तब इस ब्रिज का टारगेट 2015 रखा गया था, लेकिन कुछ और इश्यूज़ की वजह से काम फिर से रुक गया था। जुलाई 2017 में ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम फिर से चालू किया गया है और अभी की अगर बात करें तो ब्रिज का 85% से ज़्यादा का काम पूरा हो चुका है और ब्रिज की कंप्लीशन डेट दिसंबर 2021 रखी गई है। आशा है कि ब्रिज का काम फिर से रुकेगा नहीं। अगर काम नहीं रुकता है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो ब्रिज का काम दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन मेटल में किया जा रहा है और ये एक आर टाइप मेटल ब्रिज है। हाइट जैसे हमने पहले ही बताई, वाटर बेड से 359 मीटर्स है और ब्रिज की टोटल लेंथ की अगर बात करें तो वो 1315 मीटर है। ब्रिज का लॉन्गेस्ट स्पैन जो है वो 467 मीटर्स का है और ब्रिज में लगभग 17 स्पैन्स है। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए 29,000 टन स्टील का यूज़ किया गया है। ब्रिज का लाइफ स्पैन 120 ईयर्स है। चेनाब ब्रिज की लोकेशन सिज्मिक 4 जोन एरिया में आती है, लेकिन ब्रिज का डिज़ाइन सिज्मिक 5 जोन के हिसाब से किया गया है, यानी ब्रिज 8 रिश्टर स्केल तक का भूकंप आराम से सहन कर सकता है। हिली एरिया होने की वजह से वहाँ पे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ब्रिज का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ब्रिज 266 किलोमीटर पर आर तक की विंड को आराम से सहन कर सकता है। जम्मू कश्मीर में रेगुलरली टेररिस्ट एक्टिविटी होती रहती है, इसीलिए ब्रिज को एक्सप्लोजन प्रूफ बनाया गया है, यानी ब्रिज को अगर बॉम्ब से भी उड़ाना चाहे तो ब्रिज को कुछ नहीं होगा। ये इस ब्रिज की एक खासियत मानी जाती है। चेनाब रेलवे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1100 करोड़ है, लेकिन अगर फिर से कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है या फिर होल्ड हो जाता है तो इन्फ्लेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है। आशा है कि चेनाब ब्रिज का काम फिर से रुके नहीं और टाइम पे कंप्लीट हो, इसकी वजह से ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मिनिमम हो सकती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और केपी कॉन्स्ट्रो को फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।